कमेंट किया, उन्होंने बोला ये जो लाली पोत के आती हो, लाली तो चमका ली है, कॉलेज कौन चमकाएगा। तो लाली तो लड़कियों का हक होता है, लड़कियों का श्रृंगार नहीं करेगी तो कौन करेगा। आपके घर में भी तो माँ बहन होगी, तो ये कमेंट करने का जरूरत नहीं। अगर हम लोग के हक के लिए रंजन भैया सपोर्ट करते हैं, प्रिंसिपल सर उनको भी FIR करने का धमकी देते हैं। अगर कुलपति जी बोले कि उनका पॉलिटिकल पावर वो नहीं हट सकते हैं। ये जातिवाद करते हैं कि हम किसी का सुनने वाले नहीं है। ये मेरा मन पे कॉलेज चलेगा, जितना मन करेगा उतना पी लेंगे। तो लड़की लोग जाते हैं उस पे कमेंट भी करते हैं प्रिंसिपल ये हमारे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना के BD कॉलेज में देखिए किस तरीके से छात्र अब जमीन पर बैठ गए और पूरे कॉलेज को ये बंद करवा दिए हैं, तमाम क्लासों को इन्होंने बाधित कर दिया है। क्या हो गया कि वजह बताइए कि क्यों बैठना पड़ा, क्लास छोड़कर आप यहाँ बैठे। देखिए ये विश्वविद्यालय का जो आदेश है, जो राज्य सरकार का आदेश है कि किसी भी छात्रा से और छात्र STSC छात्र से कोई शुल्क नहीं लेना है, उसके बावजूद भी ये पहले हमारे यहाँ 0 था, इन्हीं के शासनकाल में जब से ये प्रचारित थे 0 रुपया था। मनमानी तरीके से धीरे धीरे बढ़ाते गए, कभी 700 किए, कभी 1500 कर दिए, अब 2000 के करीब कर दिए। तो इसके विरोध मैंने विश्वविद्यालय को भी दिया, इनको भी एप्लीकेशन दिया और आज जो हम लोग धरना में बैठे हैं उनको नोटिस देकर कि मतलब अगर आप हमारे मांगों को पूरा नहीं करते हैं, और जो एक ऑनलाइन जो पोर्टल बनाया एक निधि ठेकेदार के द्वारा। कौन सा पोर्टल? एक www.BD कॉलेज एक वेबसाइट है, अगर आपको नामांकन कराना है तो उसी वेबसाइट पर आपका सारा चीज़ होगा। वो वेबसाइट से 250 रुपया एक्स्ट्रा कटता है, जिसका कोई रिसिप्ट नहीं होता है। वो एक निजी नाम का व्यक्ति ललित जो ठेकेदार है उनके नाम से ये मतलब पैसा कटता है। तो 250 रुपया के हिसाब से कटता है। हमारे यहाँ 8000 बच्चे हैं, तो 8×3 कर लीजिए, एक साल में Part 1, Part 2, Part 3 तीनों बच्चे से 250 रुपये कटते हैं। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 24,000 × 250, 50 लाख का ये घटोला करते हैं। और हर साल घटोला करके ये अपने कभी प्रिंसिपल के बनने के लिए, कभी VC बनने के लिए तमाम दगे अपने ये रुपया को मतलब लगाने का काम करते हैं। इनको विश्वविद्यालय से कोई मतलब नहीं है। जब हमारा गेट सही था तो ये गेट को बदल दिए, वो गेट आगे जो लगा दिया गया, बच्चे वहाँ तो मर जाते हैं, बच्चे को पेट में चोट लग जाता है जब भीड़ निकलती है। तो बच्चे वो सिर्फ एकदम हमारे जो फंड है, जो स्टूडेंट का पैसा है, उसका दुरुपयोग करना जानते हैं। उस दुरुपयोग से जो जब बच्चे का आवश्यकता का चीज़ नहीं है वो अपने निजी ठेकेदार कौन दुरुपयोग करते हैं। यहाँ के प्राचार्य महोदय जी करते हैं। हम लोग को पिछले बार भी, हम लोग का पिछले बार लगता है जनवरी फरवरी का बात होगा, वही फॉर्म के नाम पे 200 करके 400 रुपया वसूलने का कार्य कर रहे थे। तो हम ही लोग जो है व्यक्ति जो हम लोग इनका अवैध वसूली विश्वविद्यालय तक जाकर हम लोग अवैध वसूली करना बंद किए थे हम लोग। और आज एक बार फिर हम लोग आवाज़ उठाने के बावजूद भी उनको डर नहीं हुआ, और एक बार फिर वो अवैध वसूली करना शुरू कर दिए बच्चों को, एक निजी पोर्टल बना के। और बच्चों को जिसमें लड़कियों और SC ST से सरकार बोले हैं कि उनसे पैसा नहीं लेना है, फिर भी वो अवैध वसूली का कार्य लड़कियों और SC ST से करते हैं। क्लास छोड़कर यहाँ क्यों बैठना? वही लड़कियों से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है STSC से, और ऊपर से अगर हम लोग प्रिंसिपल के रूम में ये बोलने के लिए गए तो उन्होंने लड़कियों के लिपस्टिक पे कमेंट किया, लिपस्टिक पे कमेंट किया। क्या बोल दी? उन्होंने बोला ये जो लाली पोत के आती हो, ऐसा कमेंट कौन करता है? प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल बोले, प्रिंसिपल कि लाली तो चमका ली है, कॉलेज कौन चमकाएगा। तो लाली तो लड़कियों का हक होता है, लड़कियों का श्रृंगार नहीं करेगी तो कौन करेगा, उनको करना है। तो कॉलेज चमकाना तो उनका करती होंगी, आपके घर में भी तो माँ बहन होंगी, तो ये कमेंट करने का जरूरत नहीं था, ये कमेंट करने का कोई हक नहीं है। ये ऐसा यहाँ किए हैं, लिपस्टिक पे कमेंट किए, कमेंट किए। क्लास छोड़कर यहाँ आप लोग बैठी हैं, क्या वजह रही होगी कि आखिर कब तक बैठे रहिएगा? जब तक प्रिंसिपल सर नहीं बोलेंगे जब तक यही कर देंगे बस। हाँ, डटे रहना है, यहाँ पे डटे रहेंगे। अगर फी माफ हो जाएगा तो इतना झमेला ही नहीं करेंगे। अगर हम लोग के हक के लिए रंजन भैया सपोर्ट करते हैं तो प्रिंसिपल सर उनको भी FIR करने का धमकी देते हैं। बहुत बार उनको धमकी दे चुके हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं हम लोग का बस फी माफ हो जाएगा, ये सब कोई झमेला नहीं करेंगे। बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग का फी माफ होना चाहिए। देखिए और भी तमाम छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। गेट बंद करके आप लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, क्या हो गया? सर हमारे यहाँ पे जो है लड़कियों के खिलाफ जो पिछले लास्ट टाइम हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन फिर भी सर ने अवैध वसूली करना चालू रखा है। जब हम लोगों ने पिछले बार विरोध किया था तो हमारे प्रिंसिपल साहब हमें कहते हैं कि हम लोग सरकार को ठंडा करना चाहते हैं, हम लोग सरकार गिराना चाहते हैं। और इस बार पता नहीं हम लोग का क्या, पता हम लोग UP में सरकार गिरा दे इस बार विरोध कर रहे हैं, तो पता नहीं सर का क्या बयान आता है।
लास्ट टाइम हम लोगों ने विरोध किया तो हम कुलपति महोदय ने बोला था कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, 10 दिन का हम लोग से समय भी लिया गया था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर से इस साल वही चीज़ हो रही है, अवैध वसूली चालू है। अवैध वसूली हो रही है? जी हाँ, हर साल, पिछला साल भी इसी तरह अवैध वसूली किया जा रहा था, ये खासकर प्रिंसिपल द्वारा। जब से बी डी में आए अवैध वसूली हो रहा है। हर कॉलेज में पता है कि लड़कियों के लिए आरक्षण है, पैसा नहीं लेना है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर पिछले साल भी लिए, इस बार भी लिए। जब हम यूनिवर्सिटी में जब हम लोग कुलपति से कंप्लेन जब हम लोग करने गए तो कुलपति कहते हैं कि यार उनका पॉलिटिकल पावर है, वो नहीं हटेंगे, ये नहीं बोला, क्या बोला वहाँ का कुलपति जी? बोले कि उनका पॉलिटिकल पावर है, वो नहीं हट सकते हैं, ये वो बोल रहे थे। हम लोग ने लगातार 2 साल हम लोग मुद्दा उठाए हैं, सर को कहें कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कॉलेज में। क्या हुआ फिर? जैसे लड़कियों का सर पैसा लिया जा रहा है इस कॉलेज में, लगातार अवैध वसूली किया जा रहा है। एक ऑनलाइन पोर्टल इस बार खोल दिया गया, अगर आप उस पोर्टल पर जाइएगा तो पहले आपको कॉलेज द्वारा पैसा भरना होगा, तभी आपको मतलब आगे का प्रक्रिया मतलब किया जाएगा। जी यही। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हम लोग का माफ़ नहीं करेंगे, लड़कियों का फीस नहीं माफ़ करेंगे, तब तक हम लोग यही डटे रहेंगे। जो तमाम छात्र हैं वो भी बैठे हुए, कब तक बैठिएगा, कब तक ऐसे बैठे रहिएगा? देखिए, हमारी धरना ही अनिश्चितकालीन है और ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भाई वीर रंजन जी ने बता दिया है, हमारा मामला ही फीस वृद्धि को वापस लेने का है। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम फीस वृद्धि को वापस लेने आए हैं। जो जबकि पैसा नहीं लगता है तो फिर छात्रों से बिना वजह वसूली क्यों हो रही है? किसका खजाना भरा जा रहा है? इस पर जाँच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस फीस वृद्धि को वापस लीजिए, नहीं तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा, आपको कॉलेज नहीं आने पर मजबूर कर दीजिएगा, कॉलेज का गेट आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चलिए, तो वार्निंग देते हुए छात्र हैं, घर के पॉकेट पर असर पड़ रहा था अगर फीस वृद्धि हो रही? हाँ, तो बिल्कुल पड़ रहा था, तब तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किए हैं। और यह हम लोग का पर्सनल मांग नहीं है, ये सामूहिक सभी छात्र एवं छात्राओं का मांग है, क्योंकि 250 रुपया अवैध वसूला जा रहा है, उसका कोई रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहली बात है, अगर आपको वसूलना ही था तो एक रिसिप्ट आप दे देते, क्या प्रूफ है कि आपकी ये पैसा को फंडिंग में जमा कर रहे हैं या उसका टैक्स जा रहा है? आप तो अवैध इसके वसूली कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे मुद्दा है जो पीछे इन पे लगा हुआ आरोप भी, और कॉलेज में थे तो इन पे आरोप भी लगा हुआ था बहुत सारा। हाँ, प्रिंसिपल सर पे पहले भी हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन दिए हैं। क्या हुआ, इतना बार दिए क्या? हाँ, उसमें जो प्रदर्शन था उसमें बहुत, जो पिछले बार भी इसी तरह का लिया गया था, फिर तो उसमें कटौती करके फिर बंद किए थे लेना, अवैध वसूली करना बंद किए थे। और हम लोग हमेशा ही जेल भी जाने का काम किया है, लेकिन हम लोग सबका हक के लिए जेल गए। रंजन भैया हमारे अध्यक्ष हैं कॉलेज का, बीडी कॉलेज का अध्यक्ष हो गए हैं। चलिए, तो तमाम छात्र हैं, कब तक डटे रहना है? जब तक ये मांग हमारी पूरी ना हो तब तक हमें बैठे ही रहना है। सर, तब तक बैठे रहिए? हाँ, तब तक बैठे रहेंगे। कब तक यहाँ पर डटे रहिए? देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग सारे साथियों के साथ और बहनों के साथ यहाँ बैठे रहेंगे। अगर राज्य सरकार का सीधा नियम है कि अगर 1 रुपया नहीं लिया जाए SC ST छात्र और हमारे बहनों के साथ 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, फिर भी प्रिंसिपल किसी से 1500, किसी का 2000 और पोर्टल के नाम पे 250 रुपया काटने का काम कर रहे हैं और उसका कोई सबूत ही नहीं है। 250 रुपया जो कट रहा है उसका कोई सबूत ही नहीं है। और ये यूनिवर्सिटी से बड़े हैं क्या? यूनिवर्सिटी का सीधा जो गाइडलाइन है उनसे ये प्रिंसिपल बड़े हैं क्या? ये बोलते हैं प्रिंसिपल, ये जातिवाद करते हैं, ये प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम किसी का के सुनने वाले नहीं हैं, ये मेरा मन पे कॉलेज चलेगा, जितना मन करेगा उतना फी लेंगे छात्रों के साथ, और जो लड़की लोग जाती है उस पर कमेंट भी करते हैं प्रिंसिपल ये हमारे। जी, रितेश कुमार छात्र, राजद पाटलिपुत्र अध्यक्ष। तो ये तमाम छात्र हैं जो पटना के BD कॉलेज में अब धरने पर बैठ गए और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इवनिंग कॉलेज, BD इवनिंग कॉलेज जो कि गर्दनी बाग में है, मीठापुर में स्थित है, वहाँ से ये तमाम छात्र अपनी मांगों को लेकर और अवैध वसूली को लेकर यहाँ पर अब अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ के प्रशासन और प्रिंसिपल के द्वारा क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्या कोई एक्शन उनके द्वारा लिया जाता है, या फिर फीस जो बड़ी है उसे कम किया जाता है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ लाइव सिटीज़ रोहित वर्मा, पटना।